दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। तो तू समझ तो नहीं पीछे पड़ते मेरे। नहीं माँ हम बेटे से पढ़ के। चलो जी बेटियां भी तीन दिन तो मेरे को समझ रही। हम बेटे से पढ़ के तीन दिन के बाद समझ में ऐसा ये लगाई हो जाता है दुख इसीलिए तोड़ते हैं बेटा मुकाबला करता है बेटा फिर मुकाबला किसने करना। बहुत जोर से रोई घुट घुट कर रोई और दहाड़े मार मार कर रोई राजदेई बहुत रोई। मैं बेटा इतनी मार खाई प्रधान को भी नहीं किया ये बेचारे अपने लून रोटी खा रहे हैं ना इनको भी नहीं बुलाया भाई आ जाओ आप जी। फिर करवा चौथ का व्रत था मैंने मेरी बेटी ने डिस्टर्ब हो जाना मैं इथी इथी मारी गई चली गई। ये कब कब की है जी? 17 तारीख। कितने तारीख की है? 17 तारीख को मारी ने सटी है मिल जी 17 तारीख। और राजदेई के साथ उसकी बेटी तृप्ता भी जार जार रोई। मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि हम दो बेटियां थी और हमारी इतनी दुर्दशा की हमारी माँ को तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि मैं। पुलिस रोई और जिसने भी यह मार्मिक दृश्य देखा उन सभी का दिल भी खूब रोया। मंडी के सरकाघाट में 6 नवंबर को घटी घटना कितनी खौफनाक रही होगी इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। मगर जिस 81 साल की औरत को जूतों की माला पहनाकर जालिमों ने बुरी तरह कुचला होगा उसके दिल पर क्या बीती होगी। कहना ना होगा कि इस घोर प्रताड़ना से तो मौत बेहतर होती। दिव्य हिमाचल टीवी पर राजदेई ने रो रो कर अपनी करुण गाथा बताई। ना बेटा भाई मैं बड़ी भाई मेहनत से रोटी खाती मैं 26 साल की बिड्डो हुई थी और आज मेरे को एक दिन आया जी। अगर मेरा एक बेटा होता तो तू समझी तो नहीं पीछे पड़ते मेरे। नहीं माँ हम बेटे से पढ़। चलो जी बेटियां भी तीन दिन तो मेरे को समझ रही तीन दिन के बाद समझ में ऐसा ये लगाई हो जाता है दुख इसीलिए तोड़ते हैं बेटा मुकाबला करता है बेटा फिर मुकाबला किसने करना। क्या क्या समान और भी तोड़ा जी घर पे समान इतना था नाले चुंगा कुछ पैरा पता नहीं मुझे नहीं पता। और आप क्यों कह रहे हैं कि पति के मेडल वगैरह भी थे उसमें जी? वो भी जला दिए वो थे ऐसे डब्बे थे डालते हैं। अच्छा जी सारे जलाए नंबर से पैसे बेटा फिर मैंने प्रधान को नहीं बोला क्योंकि वो बच्चे वाला है जी जी। मैंने मेंबर को भी नहीं बोला मेंबर खड़ा रहा किसी ने नहीं बोला भाई इसको मत मारो। और ये पेड़ वगैरह जो है वो भी उन्होंने काटे जी जी करिंदे जी जी। मैंने इतना जिगरा किया हूँ कितना जिगरा करूँगा। अब आप क्या चाहते हैं मतलब चाहते हैं सब भाई जैसे मेरी हालत कितनी वैसी होना चाहिए कड़ी सजा जी कड़ी सजा। 26 वर्ष की उम्र में विधवा हो चुकी राजदेई के पति ने देश सेवा की। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लिया और देश की सेवा करते प्राण त्यागे। दो बेटियां हैं और पति की संपत्ति। ऐसा बयान करते ही राजदेई बड़ी जोर से रोती हैं। वह देखती हैं कि जालिमों ने घर का सारा सामान जला दिया मगर सबसे बेशकीमती उसके पति की निशानियां भी दुश्मनों ने जला डाली। बेटा होता तो काश ऐसा ना होता। आंसुओं की धारा बहती है और राजदेई अपने ऊपर हुए अत्याचार को बयान करती जाती है। इतना गम इतना खौफ तो शायद किसी की मौत पर भी देखने को ना मिले। राजदेई बताती हैं कि उसे इससे पहले भी कई बार बुरी तरह पीटा गया। मैं बेटा इतनी मार खाई प्रधान को भी नहीं किया
ये बेचारे अपने लून रोटी खा रहे हैं ना, इनको भी नहीं बुलाया भाई आ जाओ आप जी। फिर करवा चौथ का व्रत था, मैंने मेरी बेटी ने डिस्टर्ब हो जाना जी, मैं इथी इथी मारी गई चली गई। जो ये कब कब की है जी? 17 तारीख। कितने तारीख की है? 17 तारीख को मारने सटी है मिंजो जी। 17 तारीख फिर होती है अंदर गई। अच्छा जी, माँ की कहानी सुनकर बेटी तृप्ता बहुत ही ऊंचे स्वर में दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। सोमवार को पुलिस सुरक्षा में अपने घर पहुंची राजदेई ने पत्थराई आंखों से एक एक चीज को देखा। बहुत अपराधा न्याय हुआ है, बहुत जुल्म किए, उसको मारने की पूरी पूरी तैयारी कर दी थी। फांसी की सजा ही चाहिए मुझे, मुझे पूरी इस है कि फांसी की सजा होनी चाहिए आरोपियों को जिन्होंने मेरी माँ की ऐसी याद की है। मेरे डैडी ने 1971 की लड़ाई भी लड़ी है, मैं सैनिक की पत्नी है, दो बेटियों की माँ है, विधवा लाचार निसहाय लेडी से ऐसे किया। मेरे को तो ये अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से, इनको सजाए मौत दे दो, मौत दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वह उस मंदिर में भी गई जिसके देवता के कथित आदेश पर जालिमों ने जुल्म ढाया था। एसपी से बोली, बेटा कितने जख्म हैं मैं कहां कहां बताऊं, कितना सहा है मैंने। एसपी बोले, अब आप नहीं सहेंगी, जालिमों को सहन करना होगा। वैसे देखना आपने कैसी बेली कि मां मां ने किए कुछ ग्रुप की मेडिकल नहीं कराने, मेरे को जख्म पड़ा, अब जख्म है क्या तो कहूं ना, मारे को दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी और देशराज की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।